यूपी में देखिए संग्राम होगा, संघर्ष होगा, कांग्रेस भी लड़ेगी। ये उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, ये तालिबानी नज़रअंदाज पर चुनाव लड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। ओबीसी जैसे लोग यहाँ बहकाने के लिए आ रहे हैं, चंद्रशेखर रावण जैसे लोग यहाँ लोगों को बहकाने के लिए आ रहे हैं, ये सब बी टीम है, चाहे मायावती हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे आज़ाद पार्टी हो, चाहे IMM हो, ये सब नागपुर की बी टीम है। हिंदू राष्ट्र बार बार हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे, ये यहाँ पर धर्म की, शांति की, भावनाओं की, लोगों में भाईचारे को बर्बाद करने की नर्सरी बना देंगे इस देश को। ये उत्तम प्रदेश तो मायावती ने भी रखा, अखिलेश ने भी रखा, और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने भी रखा। ये कोई अच्छा सा नाम दें, स्मृति ईरानी को नौकरी मिली, धर्मेंद्र प्रधान को नौकरी मिली, जेपी नड्डा को नौकरी मिली, संबित पात्रा को ONGC कंपनी में डायरेक्टर की नौकरी मिली, मिली नौकरियां। किस उत्तम प्रदेश की बात करते हैं ये? क्या हिंदू मुसलमान की खेती पर ये विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे 2022? देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं ये? प्रगति की दिशा में, विकास की दिशा में। कौन सा विकास? क्या इन्होंने प्रांतीय मार्गों के गड्ढे तक नहीं भराए? दिल्ली में आप सड़कों की हालत देख लीजिए, कनाट प्लेस में सड़कें टूटी पड़ी हैं, लोटियस जोन है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, लोटियस जोन है, पीने के पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है। अभी चुनाव में व्यस्त है ना, चुनाव खत्म होने के बाद कर देंगे सब कुछ। ओह अच्छा, मैं तो भूल ही गया था कि चुनाव भी हैं 5 राज्यों के। गोवा में जा रहे हैं, उत्तराखंड जा रहे हैं, ये सरकार नहीं में आ रही गोवा और उत्तराखंड इनके। सिर्फ थोड़ा बहुत संघर्ष ये उत्तर प्रदेश में करेंगे। उत्तर प्रदेश में हैंग असेंबली आने जा रही है, और ये अच्छी तरह नरेंद्र मोदी जी भी जानते हैं और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी भी जानते हैं। मोदी योगी के पोस्टर लग रहे हैं बहुत सारे दिल्ली में लग रहे हैं। भाई इन्होंने लोगों के पैसा लूट खसोट के, सरकारी टैक्स बढ़ा के, एक्साइज बढ़ा के, पेट्रोल पे, गैस की एजेंसियों पे उस पैसे को खर्च कर रहे हैं, जनता की गाड़ी कमाई को खर्च कर रहे हैं। तो फ्री भी तो दे रहे हैं, वैक्सीन फ्री दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं झोले में। वाह, सरकारी खजाने से 600 रुपए वैक्सीन के जा रहे हैं, जिस वैक्सीन पर मात्र 17.75 रुपए का खर्चा है मैन्युफैक्चरिंग, उसके ये सरकारी खजाने से 600 रुपए प्राइवेट कंपनियों को दे रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं 480 रुपए? किस खाते में जा रहे हैं? देश के विकास में जा रहे हैं। देश के विकास में प्राइवेट कंपनियों को गया हुआ पैसा, देश में विकास होता है कहीं? रोज नौकरियों से निकाला जा रहा है, बैंकिंग व्यवस्था चौपट है, रोज किसी न किसी सरकारी कंपनी में आती है कि आज 1000 निकाल दिए, 500 कर्मचारी निकाल दिए। तो 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था मोदी जी ने, तो एक भी नहीं मिली क्या? मिली, स्मृति ईरानी को नौकरी मिली, धर्मेंद्र प्रधान को नौकरी मिली, जेपी नड्डा को नौकरी मिली, संबित पात्रा को ONGC कंपनी में डायरेक्टर की नौकरी मिली, मिली नौकरियां। तो मंत्री हो गए सारे, नहीं नहीं, जनता को मिली, युवा को मिली, सरकार की गाड़ी कमाई से इनको वेतन मिल रहे हैं। नौकर हैं ये हमारी जनता के, नौकरियां दी इन्होंने, बिल्कुल दी। योगी जी को नौकरी मिली, जहां अठन्नी चमन्नी मठों से आते थे उनके पास। अच्छा, ये कहते हैं कि महंगाई ज्यादा लगती, तालिबान चले जाओ, तालिबान में नहीं महंगाई। देखिए तालिबान कोई एक ऐसा वैसा मुद्दा नहीं है, मैं इस पर कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि बड़ा संवेदन मामला है। ये उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, ये तालिबानी नज़रअंदाज पर चुनाव लड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और ये सेम वही संगठन है भारत का संघ, जैसे तालिबान है, जैसे पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन है, सेम उसी कैटेगरी का है। हिंदू कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, भारत में रहने वाला, हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू है। ये फ्रांस का एक शब्द है हिंदू, जो बाहर से अंग्रेज आए या मुगल आए, उन्होंने हर यहाँ के निवासी को हिंदू कहा। हिंदू कोई जाति धर्म नहीं है, यहाँ धर्म है, सनातन धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, सिख धर्म है, बौद्ध धर्म है, मुस्लिम धर्म है, इस्लाम धर्म है।
यूपी में देखिए संग्राम होगा, संघर्ष होगा, कांग्रेस भी लड़ेगी, कांग्रेस का सीएम के कैंडिडेट जो हैं प्रियंका गांधी जी होंगी, योगी जी से लड़ेंगी प्रियंका गांधी, बिल्कुल लड़ेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे, अच्छा जवाब देंगे, जो जो मीडिया को और बहुत सारे लोगों को नहीं लग रहा। ओबीसी जैसे लोग यहाँ बहकाने के लिए आ रहे हैं, चंद्रशेखर रावण जैसे लोग यहाँ लोगों को बहकाने के लिए आ रहे हैं, ये सब बी टीम है, चाहे मायावती हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे आज़ाद पार्टी हो, चाहे IMM हो, ये सब नागपुर की बी टीम है, नागपुर की बी टीम है, और उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है। क्या मुलायम सिंह जी ने पार्लियामेंट में नहीं कहा था कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मोदी जी एक बार और देश के प्रधानमंत्री बने? क्या संदेश जाता है? ये वही कह रहे हैं जिन्हें जेल में जाने से डर है, जिन्होंने आय से अधिक गरीबों को लूटा है, जाति के नाम पर, बैकवर्ड के नाम पर बरगलाया है। उनका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली बात करते हैं, आप कह रहे हैं कि ये बरगला विकास? विकास तो कांग्रेस ने किया, नेहरू जी ने किया, इंदिरा जी ने किया, जिसको आज ये बेच रहे हैं। इनके दादा नाना ने लगाई थी फैक्ट्रियां, क्या इनके दादा नाना देश के पार्लियामेंट के क्या सदस्य थे? क्या देश की आज़ादी में क्या योगदान है इनका? कोई योगदान नहीं है। जी का तो बांग्लादेश की आज़ादी में भी योगदान है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, मुझे लगता है कि ये इंदिरा जी के रूप में देश के प्रधानमंत्री थे क्या? ये तो आपने बहुत अच्छा एंकर साहब याद दिला दिया मुझे, मैंने तो अपने फेसबुक पर ट्वीट भी किया था। क्या जब जिस टाइम बंटवारा हुआ था इनकी आयु क्या थी बताएं? मेरा 15 दिन फेसबुक बंद रहा। अच्छा। मैंने तभी लिखा था कि मोदी जी ये बताएं कि आप उस समय भारत सरकार में क्या थे और आपकी आयु क्या थी। क्या कमी है मोदी जी में? मोदी जी बहुत अच्छे हैं, अच्छे खासे हैं, अपने मित्रों के मित्रों के मित्र हैं, भाषण भी इतना अच्छा देते हैं, आप तो दाढ़ी भी बना ली उन्होंने। नहीं दाढ़ी इसलिए रखा ली है ताकि लोग मुझे ना मारें, दाढ़ी की वजह से मुझे छोड़ दें, ताकि शरीर पर चोटों के निशान ना आए। ऐसा भी है? हाँ हाँ पिटेंगे। अभी कौन पिटेगा? जनता। जनता तो जब जनता खिलाफ होती है ना मैडम, SPG PSPG कोई काम नहीं आती। हमने देखा है 96 का लोकसभा चुनाव, नरसिंह राव देश के प्रधानमंत्री थे, लड़ रहे थे हम, किस तरह कांग्रेस के बैनर तक नहीं लगने दिए लोगों ने, और जो कैंडिडेट जाता था ना कहते थे एक कुत्तो जाओ यहाँ से बाहर। ऐसे कहेंगे मोदी जी को? पीटे नहीं है क्या? कमलेश पासवान को पीटा नहीं है क्या? अभी कमलेश पासवान जो पार्लियामेंट मेंबर हैं गोरखपुर में, बांसगांव से पार्लियामेंट मेंबर हैं, उनके साथ बदतमीजी हुई है। मेरी विधानसभा में एक विधायक है तारारा, उसको नहीं घुसने दिया लोगों ने गाँव में, सभा नहीं कर पा रही वो। अभी एक परसों सभा करी थी, 50 आदमी थे, 500 आदमी पुलिस के थे, सभा नहीं कर पा रही। अच्छा। जनता नहीं आ रही इनके यहाँ। अच्छा। अब आप कहेंगे कि इन्होंने अभी अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी बना दी। ये भी मैं पहले से बता देता हूँ, अलीगढ़ में अभी कल परसों यूनिवर्सिटी बना दी। जिस कल्याण सिंह के कंधों पर भारतीय जनता पार्टी जीवित हुई उत्तर प्रदेश में, उसका बेटा मंच पे जाने के लिए लाइन में खड़ा था और वो एंट्री तक नहीं कर, डी ब्लॉक में एंट्री नहीं कर पाया, मंच पे जाना तो दूर। राजवीर सिंह पार्लियामेंट मेंबर हैं, इसका जो है उत्तर प्रदेश का नाम रख दें बढ़िया सा, क्रांतिकारी। उत्तम प्रदेश तो मायावती ने भी रखा, अखिलेश ने भी रखा, और बिश्ना प्रताप सिंह जी ने रखा। ये कोई अच्छा सा नाम दें, जैसे क्रांतिकारी नाम दें, बहुत क्रांतिकारी हैं इनके यहाँ, गोडसे हैं, गोडसे राज्य नाम रख सकते हैं ये, गोडसे राज्य। हाँ रख दें, मैं सुझाव दे रहा हूँ। हिंदू तो खुश है ना योगी के राज्य में, मंदिर बन गया। हिंदू है कहाँ, कौन कहता है कि हिंदू खुश है? भारत के अंदर जो भी निवास करता है वो हिंदू है, हिंदू कोई धर्म जाति मजहब नहीं है, ये हमारा पार्लियामेंट कहता है, पार्लियामेंट का संविधान कहता है। बीजेपी को अलग संविधान पता है क्या? बीजेपी का हर जगह देखिए, राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर आपके भोपाल का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाता है, वो तो यहाँ के झंडे को समझते नहीं। जो गणतंत्र देश का झंडा है हमारा, भारत का झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज है, उसको मानते ही नहीं वो, हमेशा इन्होंने नागपुर में नहीं फहराया,
ये मानते कब है यहाँ के संविधान को? ये तो चाहते हैं कि हमारा संविधान बने। हिंदू राष्ट्र बना देंगे क्या? तालिबानी हिंदू राष्ट्र, बार बार हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे ये। हाँ। ये यहाँ पर धर्म की, शांति की, भावनाओं की, लोगों में भाईचारे को बर्बाद करने की नर्सरी बना देंगे इस देश को ये।